तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं मेरी इस मंथ की म्यूचुअल फंड की अर्निंग बताता हूँ। सो भाई देखिए, हम आप लोगों को यहाँ पर कुछ म्यूचुअल फंड भी सिलेक्ट करूँगा। और यहाँ पर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए आप लोगों को कुछ और एडवाइस चाहिए, बिजनेस आइडियाज़, आप लोग कैसे और पैसे को मल्टीप्लाई करें, कैसे मनी की ग्रोथ करें, ये सारी चीज़ें आप लोगों को जानना है तो डिस्क्रिप्शन में गई मैंने इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक दिया है, आप लोग जितनी जल्दी हो सके मुझे वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। और गाइस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके गाइस देखिए आप लोग हमारी वीडियोस को शेयर किया कीजिए। और आप लोगों को भी यदि म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट बनना है, म्यूचुअल फंड में आप लोग भी पैसा को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं फटाफट, तो आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरी म्यूचुअल फंड 0 to Hero ईबुक का लिंक दिया है, आप लोग देखिए सिंपली उसे 99 rupees में परचेज कर सकते हो। उसमें देखिए इतनी पावरफुल वैल्यू मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। उसमें कहीं देखिए आप लोग आसानी से ये जान सकते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड यहाँ पर सेलेक्ट करना है, म्यूचुअल फंड को कब खरीदना है, यहाँ पर म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड के कितने प्रकार होते हैं, देखिए सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर 99 rupees में आप लोगों को दी हुई है। और दोस्तों यदि आप लोग ये कदम अभी नहीं लेंगे तो भाई देखिए कब लेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अभी फिलहाल में आप लोग के पास टाइम है, आप लोग फटाफट जाइए उस बुक को परचेज करिए और उससे आप लोग सीखिए और आप लोग 99 rupees लगा के सिंपली यहाँ पर 900, 9000, 90000 इससे भी ज़्यादा का आप लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं और 900000 का भी आप लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें का मैंने उस बुक में आप लोगों को प्रोवाइड करी है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए और आप लोग पास 99 rupees का बजट है, आप लोग अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप लोग 99 rupees में उसी बुक को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में गाइस मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग टाइम वेस्ट ना करें, फटाफट उसे परचेज कर लें। अब गाइस चलिए हम लोग यहाँ पर म्यूचुअल फंड के तरफ चलते हैं और मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रूफ के साथ यहाँ पर चलिए मेरी अर्निंग दिखा देता हूँ कि इस बार मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ, क्योंकि देखिए चल रहा है लॉकडाउन के कारण मार्केट हुआ है क्रैश और क्रैश के कारण जो सारी चीज़ें हो जा रही है वो नीचे जा रही हैं यहाँ पर, तो हर किसी को कहीं यहाँ पर देखिए लॉस का सामना करना पड़ रहा है। जो जिसने भी यहाँ पर हाई रिस्क वाले फंड में इन्वेस्ट किया था और यहाँ पर रिस्क लिया था तो फिलहाल में तो उसे जा रहा होगा लॉस। तो चलिए यहाँ पर हमारा पोर्टफोलियो कैसा चल रहा है हम यहाँ पर चलते हैं और इसको देखते हैं। हे दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने हमारा जो यहाँ पर ग्रो ऐप है सिंपली से ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले मेरा पोर्टफोलियो चेक करवा देता हूँ, कहीं देखिए उसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे चलते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे सिंपली यहाँ पर ये लोड हो रहा है, इसे लोड हो जाने देते हैं इसके इंटरफेस को, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे की चेकिंग करते हैं। तो गाइस यहाँ पर रुक जाइए, इसमें पोर्टफोलियो लोड होने में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, यहाँ पर जो हमारे पास ग्राफ है वो ग्राफ शो नहीं हो रहा है। तो गाइस देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं 93% इक्विटी और 6.9% डेप्ट आप लोग देख सकते हैं। इक्विटी स्लिप देख लीजिए आप लोग सिंपली लार्ज कैप, मिड कैप और यहाँ पर आप लोग स्मॉल कैप देखिए। कॉरपोरेट बॉन्ड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आप लोग फंड देख सकते हैं यहाँ पर देखिए और शॉर्ट टर्म देखिए, और यहाँ पर शॉर्ट टर्म में मैंने इन फंड्स में सिंपली इन्वेस्ट करा है और इसके बाद आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म में देख सकते हो, देखिए लॉन्ग टर्म में किसी भी फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है। सो वही देखिए इसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ, देखिए यहाँ पर सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन मैंने जिस फंड में यहाँ पर सिंपली इक्विटी फंड एनालिसिस देखिए मैंने जिन फंड में इन्वेस्ट करा है वो मेरा पैसा कहाँ पर लगा रहे हैं। तो भाई देखिए फाइनेंशियल यहाँ लिखी जैसे बैंक्स में, सर्विसेज में, एनर्जी गई देखिए यहाँ पर केमिकल्स, ये इन कंपनीज के स्टॉक्स में जो मेरा पैसा है वो यहाँ पर सिंपली शेयर कर रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर उन कंपनीज की लिस्ट है गई देखिए जहाँ पर जो पैसा उसे शेयर किया गया है। तो भाई देखिए ऐसे आप भी अपना पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये रही हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। दोस्तों देखिए मैं यहाँ पर कुछ भी हाइड नहीं करता हूँ किसी भी तरह का, किसी के भी जैसा, बट आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए डिस्क्रिप्शन में गाइस मैंने मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक दिया है। गाइस ये रहा मेरा प्रोफाइल, आप लोग सिंपली देख सकते हैं जितना जल्दी हो सके। देखिए हमें यहाँ पर 1000 फॉलोअर्स कंप्लीट करना है गाइस। देखिए मैं यहाँ पर बिजनेस आइडियाज गाइस देखिए पैसा कमाने की चीज़ें, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें, सारी चीज़ें गाइस देखिए मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ, तो आप लोग प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर मेरी 1000 फॉलोअर्स कंप्लीट करने में हेल्प करें। अब गई देखिए ये रहा सिंपली देखिए हमने यहाँ पर 10,200 गई देखिए इन्वेस्ट तो मैंने यहाँ पर 25K, 25K, 30K यानी कि देखिए 20 से 30,000 करे थे, बट गई देखिए थोड़ी दूसरी प्रॉब्लम के कारण मैंने इसे यहाँ पर सिंपली जो इन्वेस्ट करे थे वो मैंने यहाँ पर लो रिस्क फंड में करे थे जिसमें सिंपली यहाँ पर 10 रुपये 20 रुपये रिटर्न मिलता है, तो मैंने सोचा कि सिंपली रहने दीजिए इसमें हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आदित्य बिरला सनलाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड में किया था, तो देखिए आप लोग यहाँ पर देखेंगे सिंपली 713 रुपये 700 रुपीज़ का रिटर्न। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि कुछ मतलब नहीं है इसमें करके, तो यहाँ पर सिर्फ जो हम इन्वेस्टेड अमाउंट है वो हाईली रिस्क फंड में रहने रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो तीनों फंड गए देखिए मेरे पास है सिंपली ये हाईली रिस्की फंड है, तो यहाँ पर देखिए हाईली रिस्की फंड में गए क्या हुआ, मैंने इसमें पैसा इन्वेस्ट तो किया था बट फिलहाल में मार्केट का हुआ है क्रैश। तो आप लोग देखेंगे मार्केट के क्रैश के चलते मुझे यहाँ पर देखिए 1,246 आप देख रहे हैं 1,426 रुपीज़ का भी देखिए आप लोग यहाँ पर देखते हैं माइनस में चल रहा है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारा पोर्टफोलियो सिंपली वो यहाँ पर आप लोगों को साइड में जो रिटर्न है वो ग्रीन में देखने को मिल रहे
करूँगा मैंने यहाँ पर आदित्य में, आदित्य बिरला सन लाइफ, उसके बाद देखिए एक्सिस लॉन्ग टर्म में, उसके बाद ICICI के दोनों फंड्स में इन्वेस्ट किया है, जो कि फिलहाल में देखिए ICICI बैंक में काफ़ी अभी ऊपर नीचे का उतार चढ़ाव आ रहा है, और ICICI के म्यूचुअल फंड में भी काफ़ी ऊपर नीचे का उतार चढ़ाव आ रहा है। तो मैं आप लोग को यही कहूँगा कि आप लोग भी यदि इन्वेस्ट करें तो आप लोग मंथली SIP करिए, या फिर लमसम कुछ भी करते हैं तो आप लोग उसे कर दीजिए, और यहाँ पर सिंपली अब 1 साल या फिर 6 महीने के लिए छोड़ दीजिए। जैसे ही गाइस आप लोग देखेंगे 6 महीने में जो हमारी इकोनॉमी है वो सिर्फ ग्रो करेगी, तो इकोनॉमी जैसे ही बढ़ेगी 6 महीने में तो अपने आप जो आप लोग का रिटर्न है जो माइनस में चल रहा है वो प्लस में आ जाएगा। तो इसीलिए कहीं देखिए मेरे पास भी इन्वेस्टेड अमाउंट 10,200 रुपीज़ है, सिंपली आप देखेंगे जो करंट है यहाँ पर 8,774 रुपीज़, और आप देखेंगे 1,426 का यहाँ पर माइनस में हमारे पास जो रिटर्न है वो चल रहा है। तो ऐसे कहीं देखिए सिंपली ये रही मेरी इस मंथ की म्यूचुअल फंड की अर्निंग प्रूफ, फिलहाल में चल रहा है सब कुछ माइनस में, जो कहीं देखिए मेरा जो प्लस में था उसे मैंने सिंपली यहाँ पर इसमें से विदड्रॉ कर लिया है। तो मैं आप लोग को ये कहना चाहूँगा आप लोग के पास भी माइनस में यदि है तो आप भी कुछ ना करें, हर महीने आप लोग SIP करिए, और आप देखेंगे जैसे ही 6 महीने 7 महीने के बाद इकोनॉमी यहाँ पर ग्रो होगी तो अपने आप जो आपको रिटर्न है वो इतना पावरफुल मिलेगा जिसका कोई हिसाब नहीं है। सो गाइस ये थी हमारी देखिए म्यूचुअल फंड की अर्निंग प्रूफ, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। और भी देखिए मैं आप लोग को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी चाहते हैं कि देखिए आप लोग भी यहाँ पर अच्छी खासी अर्निंग कर पाए, तो दोस्तों देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ म्यूचुअल फंड की जो हमारी ईबुक है गई देखिए इसका लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए मैं आप लोगों को सिंपली फटाफट शो कर देता हूँ। तो कहीं देखिए इसकी प्राइस है 99 रुपीज़, आप लोग देख सकते हैं जितनी जल्दी हो सके आप लोग इसके तक जाइए। ये रही हमारी ईबुक, आप इसे सिंपली 99 रुपीज़ में परचेस कर सकते हैं, और उसके बाद आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और आप लोग भी जान सकते हैं कि आप लोग को किस राइट फंड में इन्वेस्ट करना है और कब इन्वेस्ट करना है। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतने, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यहाँ पर जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करिए।